हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बैक मूव गेमिंग चैनल। तो फ्रेंड कैसे हो आप लोग, उम्मीद करता हूँ सभी बढ़िया होंगे एंड मेरे भाई आगे भी बढ़िया रहना। तो फ्रेंड इस वीडियो में बात करने वाले हैं, यहाँ पे देख लो फ्री फायर में यहाँ पे रिपब्लिक डे इवेंट आ गया है जिसमें आपको सिंपल सा टोकन को यहाँ पे कलेक्ट करना है एंड फिर यहाँ पे टोकन को यहाँ पे कलेक्ट करते हो ना उसके बाद आपको बहुत ही अच्छा अच्छा रिवॉर्ड है ना जो कि इसमें मिलने वाला है। तो फ्रेंड क्या क्या रिवॉर्ड है और प्लस में वो टोकन है ना जो कि कहाँ पे और कैसे मिलने वाला है इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो फ्रेंड वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो आती रहती है। तो फर्स्ट में आप जो लोग न्यू बनर द ट्रायल यहाँ पे देख कंटिन्यू और यहाँ पे क्लिक द पर्पल एनर्जी कोड टोकन फॉर रिवॉर्ड। आपको सिंपल सा ये वाला टोकन है ना जो कि कलेक्ट करना पड़ेगा एंड फ्रेंड आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो तो फ्रेंड आपको प्लस में ये सब रिवॉर्ड है ना जो कि आपको मिलने वाला है। यहाँ पे देख लो आपको सिंपल सा ये वाला टोकन को कलेक्ट करना पड़ेगा यानी पर्पल एनर्जी कोड टोकन नाम है। उसके बाद आपके पास ये टोकन 25 हो जाएगा तो फिर आप इजीली ये पैरासूट का स्किन क्लाम नहीं एक्सचेंज कर पाओगे। उसके साथ साथ आपको सिंबा से ये वाला टोकन जो कि 10 रहेगा तो आपको सिंबा सा फार्मर्स का स्किन है ना जो कि आपको क्रिएट मिलेगा क्रिएट। उसके बाद आप यहाँ पे ओपन करोगे तो फिर आपको कुछ भी मिल सकता है उसमें से। उसके बाद आपको सिंबा से यहाँ पे बंटी है जो कि 99 टाइम आप यहाँ पे इजिली एक्सचेंज कर पाओगे और यहाँ पे और भी बहुत सारा रिवॉर्ड है ना जो कि आपको दिखाने के लिए इस वीडियो बनाया हो। तो फिर फाइनली यहाँ पे देख लो आपको सिंबा सा रिपब्लिक डे आपको क्लिक कर देना। उसके बाद आपको सिंबा सा यहाँ पे देख लो रिपब्लिक डे रिवॉर्ड आपको सिंबा सा मैच खेलना पड़ेगा। तो फिर आप यहाँ पे 1 मैच खेलते हो तो फिर आपको सिंबा सा यहाँ पे इनक्यूबेटर वाउचर प्लस में आपको सिंबा सा यहाँ पे डायमंड रॉयल वाउचर उसके साथ ही AWM का स्किन यहाँ पे दिया जा रहा है जो कि काफ़ी OP है। आपको बरमुंडा खेलना पड़ेगा और बरमुंडा में आपको बोया करना है फ्रेंड। उसके बाद आपको 6 गन बॉक्स मिलेगा जो कि आपको 26 तारीख को गेम प्ले करना पड़ेगा। उसके बाद ही ये इवेंट है ना जो कि स्टार्ट होने वाला है और उसके नीचे भी आप जैसे यहाँ पे क्लिक करते हो ना तो फिर आपको यहाँ पे देख लो डेली चेकिंग रिवॉर्ड। आपको डेली चेकिंग रिवॉर्ड में आपको बहुत सारा आइटम है ना जैसे रोनाल्डो कैरेक्टर, लिगोटा कैरेक्टर और यहाँ पे क्या कैरेक्टर इसका नाम तो पता नहीं शायद कपेला गाइज। आपको कपेला प्लस में रोनाल्डो और यहाँ पे जोसेफ शायद जोटा गाइज और यहाँ पे ये है क्या है अलवारो। तो फिर ये सब कैरेक्टर है ना जो कि आपको टोटली 7 डेज के लिए आपको फ्री में दिया जा रहा है जो कि आपको सिंपल से यहाँ पे लॉगिन करना पड़ेगा यानी पर डे आपको पर आइटम इसमें देखने को मिल जाएगा। आपको सिंपल सा यहाँ पे जोटा अलवारो एक्समेट गन बॉक्स और यहाँ पे P90 शॉर्ट गन ये सब स्किन है ना जो कि स्कार भी इसमें ये सब आपको सिंपल सा 7 दिन के लिए आपको फ्री में चलाने के लिए दिया जा रहा है जो कि रिपब्लिक डे इवेंट में। तो फाइनली उसके नीचे आप जैसे क्लिक करोगे तो फिर एंड आपको सिंपल सा उसी तरह कुछ ये भी इवेंट है जिसमें आपको लॉगिंग करना पड़ेगा एंड फिर आप यहाँ पे लॉगिंग करती हो तो फिर आपको यहाँ पे देख लो बहुत सारा कैरेक्टर गन बॉक्स प्लस में यहाँ पे ये देख लो ये शायद मेरे ख्याल से वल्फ्रा कैरेक्टर जो कि बहुत ही कम बंदे के पास होगा और यहाँ पे देख लो यहाँ पे लॉन्चर और यहाँ पे ये है जैक कैरेक्टर जो कि ऋतिक रोशन है जो कि एक सुपर हीरो गाइस और इसका एबिलिटी भी रिलोड स्पीड है कुछ किल करने पे और यहाँ पे AWM प्लस में यहाँ पे क्या है यहाँ पे गन वाउचर और एक के। तो फ्रेंड ये सब रिवार्ड है ना जो कि आपको टोटली फ्री में दे रहा है यार गरीना फ्री फायर है ना जो कि रिपब्लिक डे इवेंट में ये सब आइटम इतना कुछ फ्री में दिया जा रहा है। तो फिर ना हम सबको कुछ यहाँ पे परमानेंट भी मिल जाता ना तो अच्छा रहता। तो फ्रेंड गरीना फ्री फायर है ना जो कि हम सबको कुछ आइटम है ना जो कि परमानेंट भी दिया है। तो फ्रेंड कौन कौन सा आइटम परमानेंट मिलने वाला है वो भी आपको दिखाता हूँ। तो उसके लिए आपको सिंपल सा नीचे क्लिक करना पड़ेगा और फिर आपको सिंपल सा ये वाला टोकन है ना जो कि आपको कलेक्ट करना पड़ेगा एंड फिर आप यहाँ पे कलेक्ट करते हो ना फायर वर्क 21 टोकन नाम है इसका। उसके बाद आपको सिंबा सा रिडीम यहाँ पे रिवॉर्ड पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपको सिंबा सा P90 का स्किन है ना जो कि ये वाला रेट ऑफ फायर और एक्यूरेसी मैक्सिम माइनस है। तो फ्रेंड ये वाला स्किन जो कि आपको मिलेगा वो भी परमानेंट आपको इसके लिए बॉक्स नहीं मिलेगा सीधा आपको परमानेंट मिल जाएगा। आप इसको एक्सचेंज कर लेते हो तो आपको सिंबा सा 20 टोकन इसको कलेक्ट करना पड़ेगा और इसीलिए आप यहाँ पे एक्सचेंज वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आपको 20 यहाँ पे 5 से आपको टोकन मिलेगा और उसके बाद आपको सिंबा सा इसको एक्सचेंज कर पाओगे। और फ्रेंड इसमें आपको सिंबा सा यही सब करना पड़ेगा आपको टोकन वगैरह कलेक्ट करना है और कलेक्ट करने के बाद ही आपको ये सब रिवॉर्ड है ना जो कि आपको मिलने वाला है। और आप यहाँ पे कैलेंडर में भी आप इजीली यहाँ पे देख सकते हो कि आप कहाँ पे कैलेंडर रहता है गाइस यहाँ पे। तो फाइनली कैलेंडर में भी देख सकते हो आपको सिंबा सा ये वाला नीचे वाला टोकन है ना जो कि मेरे ख्याल से डेड बॉक्स यानी आप किसी बंदे को मारते हो उसके बाद आपको लूट बॉक्स में आपको सिंबा से यहाँ पे ये वाला
का टोकन शायद देखने को मिल जाएगा, जिसमें आप पैरासूट का स्किन इजीली आप एक्सचेंज कर पाओगे। तो फ्रेंड ये सभी इवेंट है जो कि काफ़ी ओपी है, आपको सिंपल सा कंप्लीट करके ये सब रिवॉर्ड लेना ही चाहिए। तो फ्रेंड इस वीडियो में इतना ही, तो फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल पर नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। फ्री फायर से रिलेटेड इसी तरह के टिप्स एंड ट्रिक्स वीडियो आती रहती है।